हाँ जी ये शरीर गोदरी ही तो है। गोदरी कहते हैं फटी पुराने कई कपड़े मिला करके गोदरी बना देते हैं। तो ये 83-84 जन्म के कपड़े सारे इकट्ठे होके इस गोदरी में आ गए। फटे पुराने कपड़े हैं या नए कपड़े हैं सतयुग के पहले जन्म के? फटे पुराने कपड़े इकट्ठे कर दिए। तमो प्रधान कपड़ा है और सतयुग में वाइब्रेशन से कैसे बच्चे पैदा होते? सतयुग में वाइब्रेशन से बच्चे पैदा नहीं होते। अगर सतयुग में वाइब्रेशन से बच्चे पैदा होते होते तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं प्रिंस प्रिंसेस के रूप में, ये क्या कर रहे हैं? हैं? देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो वाइब्रेशन से पैदा होते हैं या दृष्टि से? ये श्रेष्ठ अंग है आंख, श्रेष्ठ अंगों की पैदाइश होती है, इसलिए उनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। मूतपलिती अंगों से पैदाइश नहीं होती है, भ्रष्ट अंगों से पैदाइश नहीं होती वहां, इसलिए देवताओं को कभी भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। हाँ बोलो। नारायण और लक्ष्मी तो सामने दृष्टि है, तो आधार होना चाहिए जो उनको जन्म दे। तुमने सतयुग की बात पूछी, लक्ष्मी नारायण की तो बात नहीं पूछी। जो लक्ष्मी नारायण है नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले, नारी से लक्ष्मी बनने वाले, जो सतयुग के राधा कृष्ण को जन्म देने वाले हैं, उनकी स्टेज राधा कृष्ण से जो सतयुग के राधा कृष्ण है उनसे ऊंची होगी या नीची होगी? उनकी स्टेज तो जरूर ऊंची होगी। तो आंख जो देखती है उसे कहते हैं दृष्टि। दृष्टि से भी ऊंची चीज क्या है? वृत्ति। दृष्टि से भी ऊंची चीज वृत्ति। दृष्टि आंख से आती है और वृत्ति काय से आती है? अरे वृत्ति काय से बनती है? मन से बनती है। मन सब इंद्रियों में श्रेष्ठ है, सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। जिंदगी में शरीर रहते रहते ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा ने मन को कंट्रोल किया या नहीं किया? बोलो। किया? किया होता तो मन के वाइब्रेशन से बच्चे पैदा करते? नहीं किया ना। उनकी स्टेज नीची रही, इसलिए बाबा मुरली में बोलते रहे तुम बच्चे योग में मेरे से भी आगे जा सकते हो। तो जरूर कोई ऐसे बच्चे थे बाबा की नजर में जिनको बाबा इमर्ज करके बोलता था, वो राम सीता वाली आत्माएं थी। और सिर्फ वो ही नहीं थी, उनकी सारी डायनेस्टी जो पुरुषोत्तम संगम युग में विश्व का मालिक कही जाएगी, क्योंकि वहां यथा राजा तथा प्रजा, सबकी एक ही मत होगी या दो मतें होंगी? एक ही मत होगी। प्रजा का
एक भी बंदा अगर एक बात कहेगा तो जो राजा है वो दूसरी बात कहेगा क्या है? वही बात कहेगा। तो प्रजा ऐसे होती है जैसे परिवार के बच्चे। आज कलयुग के अंत में प्रजातंत्र राज्य में प्रजा ऐसी है, यथा राजा तथा प्रजा। भाई प्रजा को तो ऐसे समझते हैं जैसे गधों का झुंड। पुलिस और गुंडों के कंट्रोल से प्रजा को चलाते हैं। और दृष्टि का बेस तो होगा, आधार तो होना चाहिए। जो चीज आंखों से दिखाई पड़ेगी उसका आधार दिखाई पड़ेगा कि जो आंखों से देखने की चीज नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की चीज है, उसका आधार दिखाई पड़ेगा। पपीता है, हर वृक्ष में नर और मादा होते हैं। पपीता का एक वृक्ष यहाँ है, एक दो तीन मील दूर है, बीच में कहीं पपीता है ही नहीं। ये मादा है, वो नर है, उसमें फल नहीं आते हैं, इसमें फल आते हैं। वो कहाँ से अपना खींचता है वाइब्रेशन? ये मादा वृक्ष है, वाइब्रेशन कहाँ से खींचता है जो इसमें फल आ जाते हैं? अरे बीज कहीं से आता होगा ना, तो वो बीज डालने वाला वो है वाइब्रेशन का। जो दो तीन किलोमीटर दूर है तो भी उसका वाइब्रेशन आ रहा है। आज की दुनिया में भी ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं समझने के लिए, समझाने के लिए। जैसे सतयुग की जनरेशन को समझाने के लिए मोर मौजूद है। मोर को, मोरनी को कोई ने संभोग करते हुए नहीं देखा होगा। मोर नाचता है तो मोरनी उसका आंसू पी लेती है, आंख से ही गर्भ रह जाता है। आंख भी इंद्रिय है, इसलिए भारत का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पक्षी माना जाता है। मोर को मारते हुए कोई पकड़ लिया जाए तो उसको कौन सी सजा होगी बोलो? जो मनुष्य को मारने से सजा होती है वो ही सजा मोर को मारने वाले को होगी। तो आज की दुनिया में भी ऐसे ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं समझाने के लिए। अभी हमारी जड़त्व में ही बुद्धि है, मन इतना सूक्ष्म बना नहीं है, इसलिए हमको आवाज से बोलने की दरकार पड़ती है। जब मन सूक्ष्म बन जाएगा तो ये मोबाइल कान में लगाने की दरकार नहीं पड़ेगी। यहाँ बैठे ही बैठे, हम लंदन में बैठे हुए आदमी से बात करना चाहें, लेकिन उसकी भी ऐसी स्टेज होनी चाहिए तो लेनदेन कर सकेंगे। और अभी अभी बता रहे हैं, ये तो यही खत्म हो जाएंगे जब तुम्हारी ऊंची स्टेज बनेगी। इस दुनिया की कोई चीज वहां नहीं होगी जो यहां होती है, उस दुनिया की कोई चीज यहां नहीं होती। और
पशु पक्षी यहाँ के जैसे नहीं होंगे गंध करने वाले, वहां के पशु पक्षी भी ऐसे होंगे, इशारे से काम करेंगे। जैसे विष्णु भगवान को कौन से पक्षी बैठा हुआ दिखाते हैं, गरुड़ों के ऊपर। क्या गरुड़ पक्षी ही ऐसे होंगे जो एक एक परिवार में एक एक पक्षी होगा, बैठो और इशारा करो तो इधर, इधर तो इधर, नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर उड़ेगा। उसे भी बोलने की दरकार नहीं है। क्या होगा है जवाब, हवाई जहाज की जरूरत नहीं तो ट्रेन और बस को कौन पूछेगा। बाबा आपने कहा कि आदि में भी धोबी घाट चला और अंत में भी धोबी घाट चलेगा, तो धोबी घाट कैसे चलेगा है? बाबा बेहद में बोलते हैं कि हद में बोलते हैं? धोबी बेहद का है कि हद का है, और घाट बेहद का है कि हद का है, और कपड़े बेहद के हैं कि हद के हैं? बेहद के कपड़े कौन से होते हैं है? ये शरीर जो बैठे हैं वो ही बेहद के कपड़े होते हैं। वो बेहद के कपड़े आदि में भी धोए गए थे, धोने वाला धोबी भी था और धोबिनिया भी होगी, धोबी का गधा भी था, था कि नहीं? कौन था गधा? कैसे 400 450 कपड़े उनके ऊपर लाद दिए गए, तब से लेकर के ढोते 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 उनका वजन कहाँ ले जाके डाले हैं? बाउंडा में डाले नहीं, कंपिला में जाके डाले। वहां के धोबी और धोबी घाट और वहां की जो बोलने की तरीका है उनका, धोबी घाट पर कपड़े धोने के समय, वो सब इसी समय की बातें हैं। क्या करते जाते हैं? कपड़े धोते जाते हैं, छी हो रहा, छी हो रहा, क्योंकि कपड़े बेबिचारी भी होते हैं। अगर बेबिचारी कपड़े होंगे तो बदबू आएगी कि नहीं, तो छी निकलेगा कि नहीं मुंह से? तो आज में भी ये धोबी घाट था और इसी धोबी घाट की वजह से सारे झगड़े चलते हैं। किस बात को लेके झगड़े होते हैं है? अरे ज्ञान में चलने वालों के घरों में किस बात को लेके झगड़े होते हैं, और दुनिया वाले किस बात को लेके झगड़े कर रहे हैं, और ब्रह्मा कुमार कुमारी किस बात को लेके झगड़े कर रहे हैं? कौन सी खास बात पकड़ते हैं है? अरे अरे यही प्योरिटी की बात पकड़ते हैं जो उनको समझ में नहीं आती कि भगवान आके क्या करता है, क्या करता है? पतितों को पावन बनाने के लिए आता है। ज्यादा गंध पुरुषों के शरीर में भरी हुई होती है कि स्त्रियों के शरीर में भरी हुई होती है? कलयुग के अंत में, द्वापर कलयुग में खास, सतयुग त्रेता में नहीं होती। होती है
सतयुग चिंता में नहीं होती। द्वापर कलयुग में जब से रावण राज्य आता है, विविचारी राज्य आता है, तो कन्याओं माताओं को नीचे गिराता है। कचड़े का गड्ढा समझते हैं, कूड़ा घर बना देते हैं। माताओं का, कन्याओं का मान मर्तबा मिट्टी में मिलाए देते हैं। पूछने वाले को समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और खोल खोल के समझाएं। हाँ, बिना बुद्धि के जो आत्मा आ जाते हैं, बिना बुद्धि के जो आत्मा प्राप्त में आ जाते हैं बाबा के, हाँ, उसकी क्या स्थिति होती है? जो बाप का बच्चा बना ही नहीं है और पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूल में आ गया, तो नाफरमानी करके आ गया या उसको निमंत्रण देके बुलाया गया है? कोई स्कूल में, कॉलेज में, कोई कॉलेज या स्कूल लगा हुआ हो और कोई मुछंदर जाके बैठ जाए, तो फिर क्या किया जाएगा? है, अगर टीचर को पता चल जाएगा तो बेइज्जती से निकाल दिया जाएगा। कोई स्कूल और कॉलेज के नियम कानून मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो उनका खुद का ही नुकसान होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी हो जाएगा। और बाबा, हाँ जी, जैसे जो कोई दान करता है बाबा को और उसमें अपना पाप लगा देता है तो फिर क्या है? जैसे कोई कुछ दान करता है माने बाबा को यज्ञ देता है फिर उसको जो है बोलता है कि ये मेरा है तो उसकी क्या शूटिंग होती है? चांडाल की शूटिंग होती है। अरे, ये पढ़ाई अभी तक बढ़ाई नहीं गई है क्या? है हरिश्चंद्र ने राज्य दान में दे दिया। दान में देने के बाद फिर चाबी मांगने लगा गुरुजी से कि कोषागार की, भंडार की चाबी हमारे हाथ में दे दो। तो क्या बना? चांडाल बना। मिसाल है, कहां की मिसाल है? है यहाँ की मिसाल है। उसी जन्म में चांडाल बना, अगले जन्म में बना है? उसी जन्म में चांडाल बना। है दे दिया बाद में? अरे बोल तो दिया सबके सामने कि हमने दिया। यहाँ तो गुप्त दान महान कल्याण की बात है। अगर एक हाथ देने वाला दूसरा लेने वाला और तीसरे को पता लग गया तो उस दान की ताकत ही कम हो जाती है। ये दुनिया सपना ही तो है और क्या है? खलास हो जाएगी तो क्या रह जाएगा? बाबा बच्चे की तबीयत खराब हो गई है,
तो बाहर के लोग कहते हैं देवी देवता को तुम नहीं मानती हो, इसलिए तबीयत खराब हो गई है। अब बाबा अब क्या करें? हैं? अरे बाबा ने तुमको पढ़ाई पढ़ाई है, इस दुनिया में देवताएं होते हैं, इस दुनिया में देवी देवताएं कोई हैं? हैं? कोई देवी देवता नहीं, एक भी ऐसा देवी देवता निकाल दो जो तन से मन से धन से समय संपर्क और संबंधियों से दुखदायी न हो। दुख देने वाले को राक्षस कहा जाता है या देवता कहा जाता है? है? राक्षस होते हैं दुख देने वाले, और देवता है? देवता है तो सुख देने वाले होते हैं। तो तुम बताओ बाबा ने तुम्हें क्या पढ़ाई पढ़ाई? देवताएं सतयुग में होते हैं या यहां इस दुनिया में होते हैं? अरे अरे जिन्होंने लिख करके भेजा बताओ ना, हैं? हैं? अरे वो कहते हैं तुमको क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं शिव बाबा, तो फिर काहे लिए पूछते हो? ये नाक पकड़ के उधर घुमा देगा तो उधर घूम जाएंगे, वो ना आया वो नाक पकड़ के उधर घुमा देगा तो उधर घूम जाएंगे, चौथा तीसरा आएगा वो इधर घुमा देगा तो इधर, पांच चौथा आएगा वो नीचे घुमा देगा तो गड्ढे में चले जाएंगे, ये कोई बात हुई? अरे तुम ऊंचते ऊंच शिव बाबा तुमको मिला कि नहीं? तो बाबा की बात मानो ना, दूसरों की बात क्यों उठाते? बकने दो दुनिया को, यही तो बात है भारतवासियों में। जो धर्म पिता आया बस उसी के पीछे चल पड़े, कन्वर्ट हो गए, कोई हिंदू से मुसलमान बन गया, कोई इस्लामी बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई बौद्धी बन गया, कोई सिख बन गया, कोई क्या बन गया, कोई सन्यासी बन गया, जो आया बस उसी की बात। सत्य वचन महाराज, चलो हम ऐसे ही चलते हैं। अरे वो कहते हैं ये कहते हैं, पहले तुम ये तो पक्का करो हमें कौन मिला है पढ़ाने वाला? हैं? जब बाबा को याद करते हैं तो ढेर सारे प्रश्न आते हैं। हैं? तो लिखते जाओ डायरी में, जब पता चलता है कि बाबा आ गए तो हमारे उसी के सारे प्रश्न भूल जाते हैं। हाँ भूल जाते हैं, इसलिए डायरी में लिख लो, जब लिखा हुआ होगा खोल के देखेंगे तो सब याद आ जाएगा। पता चलता है कि बाबा आते हैं तो इतनी खुशी आती है कि प्रश्न भूल जाते हैं। डायरी में लेना भूल जाते हैं, लो लेना भूल जाते हैं। बाबा जो माताएं भाई हैं वो बोलते हैं कि पहले से कन्याओं को ज्ञान ही देना, पहले माता पिता, अगर माता पिता ज्ञान में निकलते हैं तो कन्याओं को पहले से ही ज्ञान देना है। ठीक तो कहते हैं, गलत क्या कहते हैं? ऐसे कोई अम्मा बाप होंगे जो ये सोचते हो कि हम तो स्वर्ग में जाएं और हमारे बच्चे गड्ढे में नरक में चले जाएं? उनको माँ बाप कहेंगे? हैं? नहीं, वास्तव में तो वो माँ बाप हैं ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त हैं। माँ बाप हैं तो पहला फर्ज उनका ये है कि अपने बच्चों को भी साथ में ज्ञान में चलाएं और बचपन से ही चलाएं। बाबा तो जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं नहीं चलना चाहते हैं,
वो बड़े तू क्यों है यहाँ, तो यही तो बात रखी है इन्होंने कि पहले से ही चलाओ ना, बड़े होने क्यों दिया। अच्छा हम ही चले जब बड़े हो गए तो बड़े हो गए करना पड़ेगा ना बाबा। क्या बड़े यहाँ बात ही नहीं है बड़े की, यहाँ तो बात तब उनकी है कि जब से ज्ञान में चले तब से पहले पहले बच्चों के ऊपर ध्यान, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। घर का ही सुधार नहीं हुआ है तो तुम दुनिया वालों को क्या ज्ञान सुनाओगे। नहीं बाबा, जैसे अपने को ज्ञान मिला तो बच्चे बड़े हो गए हैं वो तो नहीं मानते हैं, तो उनका तो करना पड़ेगा ना बाबा। वो तुम्हारे चच्चे बन चुके, वो तुम्हारे बच्चे हैं ही नहीं जो तुम्हारी बात नहीं मानते। अब हमारे तो नहीं है बाबा, तो फिर कहते बात खत्म, उनका तो कर देना पड़ेगा अलग। लड़का है तो घर से बाहर निकाल दो, घर से बाहर निकाल दो, तुम मेरे लड़के नहीं हो, अखबार में दे दो, मैं इसको फारकती देता हूँ देती हूँ, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बात नहीं मानता, मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसको एक पैसा नहीं मिलेगा। अपनी भी तो इच्छा चलती कि इनकी कर दे तो ये बिल्कुल अलग हो जाए, जब ये नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, शादी करने की बड़ी ललक है, क्योंकि शादी बाबा ने बर्बादी बोली हुई है, इसलिए पहले शादी करना चाहिए। करना पड़ता है तो करो ना, मरो हमें कहा जाता है। जब वो शादी आदि कर करा के बच्चे अच्छे पैदा कर करा के बिना शुरू हो जाए तुम्हारे मुंह पर पटक दे, तब भोगना बैठ करके करो, वो मुंह में पटक के भाग जाएगा। जैसे छोटे छोटे गीता पाठ वाला गाँव है और उनसे आने के लिए ट्रेन का साधन यहाँ से जो है नहीं मिलता है, तो रात रुकना पड़ता है, तो गीता पाठ वाला में क्या नहीं मिलता, गाँव में छोटे छोटे गीता पाठ वाला है वो लोग सेवा करके पार्टी लेके आते हैं, तो बांधा में जैसे नहीं आ गए या कहीं भी तो गीता पाठ वाला में रुकना पड़ता है, तो क्या नहीं रुकना है क्या उसकी गीता पाठ वाला में किसको रुकना पड़ता है। जैसे यहाँ पर साधन है बांधा में रुकने का गीता पाठशाला में, और गाँव के आस पास के गीता पाठशाला वो लोग पार्टी लेके आते हैं। पार्टी लेके क्यों आते हैं, तो रात में माना ट्रेन नहीं है बाबा, जल्दी ट्रेन चली जाती गाँव, तो रात में निकलते काहे को जब जानते हैं कि रात हो जाएगी। जैसे मूस गाँव मान लीजिए, यहाँ से 20 किलोमीटर गीता पाठशाला है, वहाँ से मतलब बच्चे लेकर रात मान लेके आ रहे हैं, और सुबह ट्रेन मान लीजिए 3 बजे 4 बजे, वहाँ से आने में असमर्थ है, कोई साधन नहीं मिलता है, तो वो आकर के यहाँ के गीता पाठशाला में रुक सकते हैं बच्चों वालों को लेकर के ना, ये कहने का मतलब। गीता पाठशाला में भाइयों को रुकने के लिए कह देंगे और भाई ने कोई उल्टा पलटा काम करके चला गया तो किसके सर के ऊपर आएगा, कहने अगर भाई हो माता है। भाई की तो बात कर रहे हैं और माता है, माता किसी के घर में रुकी जाके पति ज्ञान में चलने का ढोंग करता है और उसने कुछ उल्टा पलटा कुलक्षण कर दिया माता के साथ, तो किसके सर के ऊपर आएगा। इसलिए गीता पाठशालाओं में परमिशन नहीं दी जाती है, वहाँ कोई धर्मशाला नहीं बनी हुई है किसी के घर में, किसी घर में एक ही कमरा है, बाबा ने कहा तुम्हारे घर में एक ही कमरा है, उसी में खाना बनाओ, उसी में सो जाओ, उसी में क्लास करो, बेचारे कहाँ से तुमको सुला देंगे, ये परमिशन नहीं दी जा सकती, अपना अपना इंतजाम करो। हाँ मिनी मधुबन है तो ठीक है, मिनी मधुबन है, तुम्हारे पास अपना परिचय पत्र है, उसमें निश्चय पत्र में तुम्हारा परिचय दिया हुआ है, अपनी जो इंचार्ज बहन है उससे लिखा लो कि हम अभी तक ज्ञान में चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, चाहे जहाँ रहो जा करके रहो, मना थोड़ा ही है, बाबा का घर है। और चीटी मार्ग की सेवा और व्यंग मार्ग की सेवा, क्या अंतर है। चीटी धीरे धीरे चलती है,
और व्यंग माने पक्षी, जो बड़ा पक्षी होता है ना, बड़े पंख वाला, वो बड़ी तेज चाल से उड़ता है। तो बोला है कि म्यूजियम में समझाते हैं या प्रदर्शनी में समझाते हैं, प्रोजेक्टर शो पे समझाते हैं, भाषण देते हैं, इससे लोगों को संदेश मिलता है। जो संदेश लेते हैं वो नई दुनिया में जाके प्रजा बनेंगे। संदेश नहीं लेते हैं, विश्वास ही नहीं करते हैं, तो उनकी बात छोड़ दो। तो प्रजा बनाने की सेवा ये है, चीटी मार्ग की सेवा। और एक एक आत्मा को बैठ करके समझाना, कोर्स देना, बाप का पूरा परिचय देना, निश्चय बुद्धि बनाना, ये है व्यंग मार्ग की सेवा। राजा बनाना, राजा बनाएंगे तो एक राजा की कितनी प्रजा निकल आएगी, लाखों की तादाद में एक एक राजा की प्रजा होती है, वो व्यंग मार्ग की सेवा हो गई। जोर से बोलो। जैसे किसी को बाबा का परिचय देने जाते हैं तो वो बोलते हैं हमको है कोर्स करा दो, ये बेसिक वाला कोर्स हमको हैंग करा दो, एडवांस वाला एडवांस यानी जो पैसे दिए जाते हैं ना जैसे करके ऐसे बाबा आए हैं ये सब। तो फिर बोलते हम 4,000 हो जाएंगे, हमारे घर में आप करा दिया तो कराए या ना कराए। उन्होंने संदेश लिया होगा, संदेश लिया पहले। अगर उन्होंने संदेश लिया है, उनकी बुद्धि में बैठा है कि सही बात है, तो वो अपने आप टाइम निकालेंगे। आप बूढ़ी माता है, जाने में कोई हर्जा नहीं है, कम उम्र की माता है तो बिल्कुल न जाए, कन्या है तो कोई साथ में लेके जाए बूढ़ी माता को। और अरे तुम्हें नष्ट मोह बनना है कि नहीं बनना है, तुम्हें पढ़ाई कौन सी पढ़ाई जा रही है, तुम्हें पढ़ाई कौन सी, तुम्हारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है सर? तो पूछते काहे के लिए, जब मालूम तो वो ठोकर तुम्हें जब मारना है अच्छी तरह से तब समझ जाना आखिरी अंजाम क्या होगा, क्या होगा। अरे हमें पेड़ ने पकड़ लिया, पेड़ हमें छोड़ता नहीं, हम उसको छोड़ते नहीं, तो आखिरी अंजाम क्या होगा, या तो आंधी आएगी और पेड़ उखड़ेगा और तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तब समझ जाना मनुष्य वो जो इशारे से समझ जाए। तो कहा जा सकता है कि ये मनुष्य से देवता बन जाएगा, अगर इशारे की भाषा नहीं समझता है तो फिर वो देवता बनेगा है? कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी वहां बैठे हुए हैं बेसिक में, कितने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे इशारे दिए हैं मुरली में, उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठ रहा है गहराई से,
एडवांस ज्ञान को ठुकराते चले जा रहे हैं। तो आखिरी अंजाम होगा कि नहीं होगा? फिर चिल्लाते रहो अहो प्रभु तेरी लीला। अब प्रभु क्या करें लीला को? अरे इतना ज्ञान मिल गया है, इतना बुद्धि में बैठना चाहिए ना कि आखिरी जन्म है, मध्य का जन्म है या पहला जन्म है? आखिरी जन्म तमो प्रधान जन्म है या सतो प्रधान जन्म है? तमो प्रधान जन्म में तमो प्रधान संबंधी बाल बच्चे मिले हैं, बिच्छू टिंडन मिले हैं या सुखदाई मिले हैं? बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं घर घर में, समझ में नहीं आता है कि ये बिच्छू टिंडन है। तमो प्रधान जन्म के ये संबंधी हैं, ये दुख देने के लिए ही पैदा हुए हैं बिच्छू टिंडन। अभी संगम युवा आ गया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं के साथ अपना संबंध जोड़ो, उन आत्माओं के साथ अपना तन मन धन समय संपर्क संबंध लगाओ ताकि जन्म जन्मांतर की अच्छी शूटिंग हो जाए। अभी बुद्धि में बैठ तो रहा है कि कौन सी आत्मा ईश्वर के निकट वाली है और कौन सी आत्मा दूर वाली है, उनमें मोह लगना चाहिए, माला के मणकों में मोह लगना चाहिए या जो जन्म जन्मांतर दास दासी बनने वाले हैं उनमें मोह लगना चाहिए? इतनी बात बुद्धि में नहीं बैठ रही? तो आएंगे तो क्या, उसके लिए क्या करेंगे आप? आएंगे तो आएंगे, खुश हो जाओ। आएंगे तो आप इसके लिए अच्छे संकल्प करो। आएंगे, बाबा ने कहा आएंगे तो आएंगे, उसके लिए आप क्यों मायूस हो रहे? और नहीं चलते तो बाबा ने ये कहा कि अभी चल पड़े। बाबा ने तो ये कहा कि आएंगे लेकिन तुम्हारे से पूरा हिसाब किताब करके आएंगे, तुमको जितना काटना पीटना है वो काट पीट के तब आएंगे, पूरा डंक लगा के आएंगे। क्या करोगे? अरे डंक से भागो, बच जाओ डंक से। लड़का अगर नहीं मानता है, शादी करता है, निकाल के बाहर करो हमेशा के लिए, कंटा कटे। आएगा ज्ञान में, हम कब करते हैं? नहीं आएगा। बाबा कहता है ज्ञान में आएगा तो आएगा, घर में से निकाल देंगे तो भी आएगा। हम घर में चिपका के बैठे रहेंगे तो आ जाएगा, ये तो कोई जरूरी नहीं। लड़की है तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, नहीं मुंह काला कर देगी अगर ज्ञान में नहीं चलती है तो। लड़की को भी खुद ज्ञान में चले हो तब से देखो कि उसको ज्ञान में चलाया कि नहीं चलाया, कि मान मर्तबे में दुनिया का मान मर्तबा ले रहे हो। हाय दुनिया क्या कहेगी? माँ के ऊपर आ गए हैं? माँ तो तुम्हारी रचना है, तुम्हारी रचना तुम्हारी मुट्ठी में होनी चाहिए कि दूसरे की मुट्ठी में होनी चाहिए? अरे माता जी कुछ बोल रही थी, बोलो माता जी बोलो, छकड़ के बोलो। हैं? निकालो बच्चे को आजकल, माँ बाप को निकाल बचाओ। माँ बाप को क्या आजकल के बच्चे निकाल बचाओ तो माँ बाप को निकाल बचाओ। हाँ तो वो ही माँ बाप होते हैं जो बच्चों के सामने नाक रगड़ते रहते हैं, आग लगड़ लिया।
मेरो बच्चा भी मेरो बच्चा तू मेरो बच्चा नाक रगड़वाते जाओ मेरा बच्चा बाहर मेरा बच्चा शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हैं तो बाबा आत्मा तो तीन है शिव बिंदी और बाबा साकार शरीर वाली आत्मा और ब्रह्मा चंद्रमा वाली आत्मा तो शिव बाबा माना दो आत्मा शिव बाबा और ब्रह्मा माना एक आत्मा तो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा विश्व के मालिक बनने का अर्थ क्या है बेहद का अर्थ क्या है अरे सीधा सीधा अर्थ है कि जो बाबा है वो ही विश्व का मालिक बन जाता है इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? है बाबा है बाबा ये जो ब्रह्मा के तन से जो है सारा ध्यान होने चाहिए है उसमें जो है बहत्तर तक यानी 51 से 18 जनवरी 69 तक हाँ अच्छा जिसमें 4 साल की वाणी का जो है जिसमें 4 साल की वाणी का अंतर चिंतन हमको मिला हाँ स्थान बहत्तर से 69 हाँ और इसकी जो पहले वाणी चली उसका मंत्र क्या वो भी मिल जाएगी बड़ी बात है क्या अरे उस समय की पुरानी गीता पाठशालाएं हैं थी होंगी या नहीं होंगी उन गीता पाठशालाओं में हाथ की लिखी हुई वो मुरलियां और लिथो से निकाली हुई उसकी कापियां होंगी या नहीं होंगी वो भी मिल जाएंगी क्या बड़ी बात हो गई बाबा के द्वारा कैसे मिलेंगे बाबा के द्वारा कैसे मिलेंगे तो बाबा मर जाएगा क्या ले ये तो पहले ही पक्के किए भाई जैसे वो मामा मर गया ये भी मर जाएगा तब तक तो कैसे मिलेंगी बाबा गुप्त हो जाएंगे अरे बाबा सबके लिए गुप्त हो जाएंगे या क्रोधियों के लिए गुप्त हो जाएंगे है? जो बाबा के बच्चे नहीं है रावण के बच्चे बन के रहेंगे उनके लिए गुप्त जो बाबा के बच्चे होंगे 8 बच्चे तो बाबा के हैं उनके लिए गुप्त हो जाएंगे कि उनके साथ रहेंगे उनके साथ रहेंगे उनके लिए तो बोल दिया बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते और बाप दादा बच्चों के बगैर नहीं रह सकते बड़ी चिंता लग रही है तुम्हें है इन 4-5 सालों में जो 65 से लेकर के 68-69 तक की जो वाणियां हैं वो वाणियों में ऐसी वाणी की बात करो पहले तो जो ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली गई और टेप रिकॉर्डर में भरी गई वो उन्होंने गायब कर दी तुमको नहीं देते हैं तुम मांगने जाओगे तो किसी पीटी वो ही एक दो टैप दे देंगे जिसमें काट पीट करके उन्होंने खूब कचरा भरा हो बस ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है तो वो नहीं मिलेंगी वो भी मिल जाएंगी
ओम शांति। और रहते हो बराग वाले बीज राग से परे है राग से परे नहीं फूल होता है ना। हाँ तो फूल के अंदर जो अंदर की झुंडी होती है छोटी छोटी फूल इसमें से खुशबू निकलती है खुशबू को कहते हैं पराग। ये है परागपुर माने फूलों की खुशबुओं का पुर है क्या। फूल तो अच्छे होते ही हैं कांटे तो बुरे होते हैं दुखदाई होते हैं और फूल सुखदाई होते हैं। फूल खुद भी हल्के रहते हैं और फूलों को धारण करने वाले देवताएं भी हल्के होते हैं। लेकिन उन फूलों में भी ये गांव है पराग खुशबू का पुर है नगर है तो दिव्यगणों की खुशबू ही खुशबू आनी चाहिए। स्टूडेंट यहाँ रोज क्लास कर कौन कौन करते हैं सो हाथ उठाओ।
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस लोग रोज क्लास करते हैं। अरे रजिस्टर देखना, सात दिन में एक बार आते हैं। मैंने झूठ बोल दिया, ये कैसा परागपुर है, है? हम पट्टी कराएंगे, करा दिए, अब रोज आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक दस, चौदह दस दस, पंद्रह दस दस, सोलह दस दस, और सत्रह दस दस। लास्ट भाई रोज होता है, आप क्यों कह रहे कि सात दिन बाद होता है? नहीं, हम लोग आते हैं। सात दिन में आप एक बार आते हैं? अच्छा, अब तो संख्या बाद घट गई। बाद में इसलिए घटा थी कि बाबा बाबा कोई आता नहीं, हम नहीं आते। पूछना करना है बाबा, जैसे हम लोग रोज करते हैं, हम लोग अपने घर आठ बजे यहाँ आते, यहाँ तो रोज साइन है, तो झूठा साइन कर दिए क्या? यहाँ भी क्लास चलता है, यहाँ भी क्लास चलता है, यहाँ भी चलता है। और फिर कहाँ चलता है? खाली याद वहाँ करें, नहीं गांव में और कोई जगह गीता पाठशाला है? दूसरे गांव यहाँ छह लोग हैं करीब, यहाँ इस गांव के छह लोग हैं, सात लोग, बाकी सब बाहर से आए हैं, दूसरे गांव की वो माता है। अच्छा, पास ही पास हुआ गांव है, सटे सटे है, हम जरूर साइन कर सकते हैं, सटे सटे गांव है, हम लोग क्लास कर सकते हैं घर में। हाँ हाँ, साइन कर सकते हैं, थोड़ी घर में क्लास तो ऐसे तो सब साइन कर लेंगे। मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, सच्चा सच्चा काम करो, तो ऐसे पूछ रहे ना। क्लास का मतलब ही हो संगठन, और संगठन माने सब इकट्ठे जाना हो, सो संगठन संगठन। अब हमें जल्दी है निकट जान दे। बाबा कैसे चले हमारे, चल चलते रहे वैसे ही चलो। नहीं वहाँ पर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली दिल्ली टिकट कटाओ बाद में। अकेले कैसे जाए? अकेले को क्या हो गया तुमको, है दो चार बातें और ले लो, बूढ़ी बाड़ी कहते हैं कोई माता नहीं, अच्छा परेशान कोई नहीं तैयार, दोनों ज्ञान सुना तैयार करो। हम जनाए कुछ हम पूछ के नहीं आए, संकोच नहीं। अरे बाबा तो सब जानता है, क्या पूछ। क्या हुआ, अब दुखधाम में परेशानी ना हो जाए तो क्या हुए? जब है ही दुखधाम तो दुखधाम में तो परेशानी परेशानी है। हाँ आत्मिक स्थिति की शान में रहो तो परेशानी गायब, जब परेशानी रहता याद कहाँ, याद करने के लिए थोड़ी कह रहे। तुम जो हो तुम क्या हो, आत्मा हो तो वो याद करो, वो स्वस्थ आत्मिक स्थिति की शान है। जब आत्मा बन गए फिर तो कुछ है ही नहीं हमारा, क्यों क्या बिगाड़ लेगा और क्या क्या परेशानी होगी। शरीर शरीर तकलीफ देता है, शरीर शरीर तकलीफ देता है। अब तुम शरीर तो हो नहीं, शरीर नहीं है तुम तो आत्मा हो, तभी तो आत्मा की याद होगा। हाँ होगा होगा, पक्का पक्का हो जाएगा।
लेकिन शरीर के शरीर में दर्द होता रहेगा, शरीर सड़ता जाएगा तो भी आत्मा पावरफुल हो जाएगी। हाँ लेकिन शरीर रहते हुए आत्मा पावरफुल होई होई होई। शरीर भी सड़ती जाती है एकदम, कोई भी ऑपरेशन हो बता दिया, शरीर सड़ता जाएगा आत्मा पावरफुल हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी सड़े हुए शरीर से भी काम निकाल लेगी। तो कहाँ से आदमी के आदमी आत्मा की स्थिति में हो पाएगा? होगा ना, आत्मा की स्थिति में हो ही नहीं पा तो शरीर के दुख से एक ही साल में 2 बार ऑपरेशन हो गए। दोबारा कह रहे हो माताओं को, ऐसी ऐसी माताएं हैं जिनको 4-4 बार ऑपरेशन होता ही रहता है, पूरा पेट काट के रख दिया। शरीरियम कीड़ा रहे तो कैसे आत्मा की स्थिति आदमी बनेगा? बनेगा, हिम्मत करने से बाबा मदद करता है। हाँ ये है, बाबा को मदद देने की कहाँ से इतना दुख है आगत। जल्दी जल्दी रजिस्टर दे दो भाइयों को। शैतानी हरफ करते आ गए अब कुछ है। हाँ है तो अपना ही किया हुआ, किसी दूसरे ने तो नहीं किया। हाँ खुशी खुशी पूरा करो, रो रो के पूरा करो तो भी करना पड़ेगा, खुशी खुशी पूरा करोगे तो भी करना पड़ेगा। हंसते हंसते पूरा करो, चौपन न सिखाए दो अरे ताई के मारे तुम्हें परेशानी होती है, काम तुमने धराए लोग कबूतर बना आप बाप भी मिल गए। कबूतर का बाप कबूतर ही होगा। सब लोग